ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। मैं एमपीके फिटनेस क्लासेस की तरफ से आनंद सेठिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पूरे विश्व में एक ही चर्चा एक ही बात सबके जबान पे और वो है कोविड-19। कोरोना के कारण पूरी तरह सभी लोग त्रस्त हो रहे हैं। इसमें हमें अपनी सुरक्षा हम खुद कैसे करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को हम कैसे बढ़ाएं, इसका ध्यान हमें अपने को खुद को ही रखना है। तो इसी मकसद को लेकर लोगों में जागृति जन जागृति फैलाने के लिए सूरत से डॉक्टर विमल जी राठी एक अभियान लेकर हेल्दी हमेशा अभियान लेकर चल रहे हैं और एमपी के फिटनेस क्लासेस भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए प्रोग्राम्स कर रही है ताकि लोगों में जागृति ज्यादा से ज्यादा फैले और हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख पाए। इसी क्रम में आज हम एक विशेष बूट कैंप अभी लेने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ नागपुर से जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट संगीता पुगलिया जुड़ी हुई है। फिटनेस के साथ साथ हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं इसके बारे में कुछ टिप्स अच्छी अच्छी जानकारी हमें देंगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी शाखला सूरत आपको निवेदन करता हूं, आप कृपया संगीता जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी शाखला। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कर ले। जय जिनेन्द्र, सबको गुड मॉर्निंग संडे की बहुत 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 गुड मॉर्निंग सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करे सभी एक स्माइल के साथ कार्यक्रम में जुड़े अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्यमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी को अंतःकरण से याद करती हूँ और उनके चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। एमपी के फिटनेस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों और हमारे लाडले संस्थापक आनंद जी, तो आज मैं परिचय देने जा रही हूँ संगीता जी पुगलिया। मैं ऐसे एक महिला का परिचय करवाने जा रही हूँ जो एक हमारे जैसी बहन थी, पर देखो प्रगति करते करते कहाँ से कहाँ पहुंची है ये, जिसको माता पिता के विरासत से ही बहुत कुछ मिला है, अध्यात्म धर्म के संस्कार और उसके साथ गुरु का आशीर्वाद तो है ही और संगीता जी का खुद का पुरुषार्थ देखिए। फिटनेस केंद्र में रखते हुए न जाने उन्होंने कितने कितने सर्टिफाइड कोर्सेस किए। समय कम है, ज्यादा मैं वर्णन नहीं कर सकती, परंतु मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि झुम्बा का एक सुंदर कोर्स होता है, बहुत सुंदर है, जो बहुत उपयोगी भी है और जो सबको अट्रैक्ट भी करता है। उसके साथ साथ गरबा का कोर्स
और वो भी पावर ऑफ गरबा फिटनेस, गरबा तो करवाते पर वो भी फिटनेस को जोड़ के करना, उसके साथ फ्रॉक फिटनेस, पता नहीं ऐसे कितने कितने सर्टिफाइड कोर्स लेके ये संगीता जी त्रिवेणी संगम से भरी हुई है, माता पिता का गुरु का आशीर्वाद और परिवार का भी पूरा साथ। इनके पति राजेश जी न केवल बिजनेस न केवल व्यापारी है एक बिजनेसमैन कोच भी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबका साथ पाकर ओतप्रोत उत्साह से भरते हुए प्रगति के अग्रसर करते करते संगीता जी न जाने कितने कितने क्लास लेती है। समस्त परिवार का दायित्व तो निभाया ही है परंतु एक मंजिल और ध्येय भी बना लिया, फिटनेस, सबको स्वस्थ रखना है। पिता का ध्येय अपने जीवन को दिशा देने के लिए उन्होंने उपयोगी किया और आज फिटनेस सेगमेंट में नाम चमक रहा है, न केवल सूरत में, मुझे लगता है आज तो अलग अलग एरिया की बहनें जुड़ी है तो ये सब भारत भर इनका नाम इस तरह चमकता रहेगा, जिन्होंने हजारों महिलाओं को फिटनेस का मंत्र देकर जीवन जीने की कला सिखाई है। 50 से अधिक संस्थाओं में फिटनेस को लेकर जागरूकता के अभियान में सक्रियता से भाग ली है। 13 पंत महिला मंडल की सचिव रह चुकी है और जेसीई ऑरेंज सिटी के जेसी रेट विंग की ये चेयरपर्सन भी रही है। आओ स्वागत करते हैं ऐसी बहन का, जिसको अनेक अवार्ड भी मिल चुके हैं। मुस्कुराते हुए जीने का हर पल जीने वाली संगीता दोनों परिवार का साथ पाकर एमपी के फिटनेस संस्थापक आनंद जी की बेटी है तो ये तो होना ही है कि आनंद उनके जीवन में बह रहा है। एक सफल व्यापारी और बिजनेस कोच की पति राजेश के साथ पाकर आज हमें एक जो बहुत विषय इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और सबको जिसमें बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, ऐसा पाए कि फिटनेस में भी इम्यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की जो समस्या है कोरोना ने और COVID-19 ने जो समस्या और आज तो ज्यादा उग्र हो रहे, नागपुर तो नंबर वन पे है मुझे लगता है अभी महाराष्ट्र में इतना कुछ हो रहा है, तो हर एक को जरूरत है कि हम फिट कैसे रहे और फिट में भी आज आवश्यकता है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की। तो हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हर जगह से कुछ ना कुछ लेते रहते कुछ तो अंदर उतरे। तो आइए देखते हैं आज संगीता जी हमें क्या दे रही है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें मिलेंगे कि हमारा इम्यूनिटी पावर तो बढ़ेगा ही और हमारे जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि संगीता जी आए और हमें मार्गदर्शन करे। फिटनेस बहुत जरूरी है संगीता जी, इसमें आप काम कर रही है इसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे बीच में आप उपस्थित है, हमें बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और उससे भी अधिक अनुभूति की मुझे आपका परिचय करने का मौका जो मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद एंड मोस्ट वेलकम संगीता जी पुगलिया। कृपया सभी से निवेदन है अपने वीडियो ऑन कर ले, अपने अपने वीडियो ऑन कर ले। नहीं थोड़ा तो आपका मुंह भी देखने दो, पता नहीं कौन कौन कैसे ज्वाइन हुआ है रविवार की प्रसन्न सुबह और आपके फोटो भी तो हम लेना चाहते हैं। तो आइए सभी अपने वीडियो ऑन कीजिए और संगीता जी को सुनते जाइए क्योंकि हमें योग भी करना है, कुछ और क्रियाएं भी करवाएंगे संगीता जी। तो आइए संगीता जी हमें आपका मार्गदर्शन है अपेक्षित है। मनोज भाई तो हंसते रहते हैं, हंस रहे हैं कि अलका जी क्या क्या बोल रही है और संगीता जी हमें क्या बताने वाली है, सब वेट कर रहे हैं संगीता जी। रुवरम को मेरा सत्सत नमन, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र व प्रणाम। मैं संगीता पुगलिया, थैंक यू सो मच अलका जी फॉर सच ए नाइस इंट्रोडक्शन। मैं सबसे पहले थैंक यू देना चाहूंगी एमपी के फिटनेस क्लासेस एंड हेल्दी हमेशा बूट कैंप जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मौका दिया कि मैं फिटनेस की एक क्लास आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकूं। आज का जैसे टॉपिक है इम्यून सिस्टम हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम जानते हैं या हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं या जूझ रहे हैं आज जो कोरोना वायरस या जो फ्लू के बीच में हम रह रहे हैं, इससे हम कोई नहीं बच पा रहे हैं।
तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको सबको सतर्क होना जरूरी है और ज्यादा। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने मेन कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, स्पेशली चार विषय पे हमें स्पेशली फोकस करना है। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए है साउंड स्लीप, यानी आप अच्छी निद्रा लें, जो भी जरूरी है, क्योंकि अभी आज की युवा पीढ़ी जो लेट सोना, लेट उठना, ये जो अच्छी नींद नहीं होने के कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है। तो जरूरी है, मैं शॉर्ट में ही सब चीजें बताऊंगी क्योंकि हमें एक्सरसाइज करना है। तो जरूरी है फर्स्ट पॉइंट, हम समय पर सोए और समय पर उठे। द्वितीय पॉइंट है कि हम अच्छा पानी यानी तरल पदार्थ अच्छा ग्रहण करें, यानी आपका वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं ले, हर 15 मिनट या हाफ एन आवर में आपको इतना पानी कंटिन्यू आपको पीते रहना है और बैठ के पिए पानी, ठीक, वाटर इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नाउ अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, हमारा आहार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आहार हमारा सात्विक होना चाहिए, घर का होना चाहिए, शुद्ध और प्योर होना चाहिए, ग्रस्त भोजन नहीं करें, थोड़ा लाइट खाना खाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के समय में हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि अभी होटल्स बंद होने के बाद भी पार्सल काफी घरों में आ रहे हैं। तो कोशिश करें अभी के दौरान आप लोग घर का खाना खाए और टाइम के अनुसार एक टाइम निर्धारित करें और पौष्टिक आहार खाए। पौष्टिक आहार, सीजनल फूड, जो भी सीजनल फूड होते हैं, सीजनल चीजें होती है, कोशिश करें वही चीजें आप खाए, पैक्ड आइटम अवॉइड करें। और उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आते हैं जो और ज्यादा उपयोगी है, वो है योगा। योगा एक्सरसाइज, जो कि कोई भी रूप में आप करें, जिस जो आप पसंद करते हो, कोई भी रूप में हो सकते हैं। तो आज मुझे एमपी के फिटनेस और हेल्दी हमेशा ने आमंत्रित किया है, आज हम योगा करेंगे। तो मैं आप लोगों को मिला जुला एक्सरसाइज कराऊंगी, कुछ योगा, वार्म अप, थोड़ा सा हल्का सा कार्डियो मिक्स। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप सभी करें आज के हमारे योगा में, हमारी इम्यून सिस्टम ही सिर्फ ग्रो होगी या बढ़ेगी नहीं, साथ साथ में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा स्टेमिना, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी हर चीज, यानी हर चीज बढ़ेगी। तो कोशिश करेंगे आप सभी, ये संडे आप लोग जल्दी उठे हो, तो ये हमारा जो 45 मिनट अब है ये योगा सेशन, ये हम सब साथ में करेंगे। जहां पर आपको ऐसा लगे कि मुझे अनइजी लग रहा है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, मैं बहुत स्लो वे में आप करवाऊंगी। तो सभी वीडियो ऑन करें, योगा मैट लगाए और रेडियो आप लोग सभी करने के लिए, सुमित हम ओके। मैं स्पॉटलाइट हूं ना पापा, विजिबल ओके, स्टार्ट करेंगे सभी। बैक स्ट्रेट, दोनों पैरों में शरीर के समांतर आपका गैप होना चाहिए। Now, सबसे पहले स्टार्ट विथ योर नेक, आंखें खुली रखेंगे। नाउ डाउन स्लोली, अप डाउन, अप डाउन, अप। नाउ सेंटर साइड राइट left right left right, now again center, now side opposite side 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 side। Now half circle, left shoulder से right shoulder,
7, 8, 9, 10. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now side, dono haath. Now small circle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now downward hands, now down, 1, 2, 3, 4, 5. Now up, 1, 2, 3, 4, 5. Again, now, 1, 2, 3, 4, 5. Up, 1, 2, 3, 4, 5. Now back, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now center, center, back, back. Center, center, back, back. Center, center, back, back. Last two. And last one. Now make 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Make 8, hatho ko, ha, 8, 9, 10. Very good. Now lock your hands. Now make round. Again, 10 clockwise, 10 anti-clockwise. Last 5, 4, 3, 2, 1. Now reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now front and back. 1, 2, 3, 4, 5. Now only back. 1, 2, 3, 4, 5. Now stretch your arms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now upper body twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now come down. Legs open. Now side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Knee straight rakhenge, pairon mein gap. Side mein jaate samay knee fold nahi karenge. 8, 9, 10, down. Now down. Up, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly up, same opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, down. Now slowly down, upar ki aur dekhe and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly up. Good. Now, deep breathing in and down, touch floor. Again up. Back straight and go down. Back straight. Kamar seedhi rakhenge, touch floor. Deep breathing in. Gardan ko bilkul na hilaye. Kamar ko curve de. Gardan ek side, front face. Touch floor. 7 more times. Deep breathing in. And out. Again. Uthana san and go down. Legs open karke hum kar rahe hain. Slowly down. Jinko back mein problem hai, wo bhi kar sakte hain. But kamar dekhenge, straight rakhenge. Down. Again. Down. Last 4. Last 3. Inhale. Exhale. Bilkul aaram aaram se. Up. Back straight rakhe. Chehra samne rakhe. Back straight. One more. Hold. 1.
दोनों हाथ साइड में. नाउ स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, down. Slowly up again. Slowly up. कमर तक का आपका बॉडी मूव हो गया. अभी हम आएंगे लेग्स पे. ठीक है ना. नी अप, नी फ्रंट. गुड. कंटिन्यू. चेस्ट तक ऊपर लाएंगे. अपने नीज को लिफ्ट करें बिल्कुल. नाउ फील, यहाँ पे फील करते हुए. नाउ स्ट्रॉन्ग आर्म्स. 1 और ऊपर लाए नीज को. 2, 3, 4, 5. Last 5, 4, 3, 2, 1. Good, good. दोनों हाथ ऊपर. Now side leg. Again knee lift. Knee fold रखेंगे हम अभी. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Good. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now back. Back. Hips को touch करने की कोशिश करेंगे knees heel से with arms. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. One more set. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. हाथों को टाइट रखेंगे. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. गुड. नाउ वॉक. अपने जगह पे वॉक करेंगे. गुड. नाउ लेग सेंटर साइड 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 सेंटर साइड. ओके. नाउ विच स्टार्ट. 1, 2, 3. ओके. अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगी. लेग सेंटर से साइड सेंटर साइड सेंटर साइड. प्रैक्टिस शुरू करेंगे. साइड 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 विद आर्म्स. नाउ 1, 2 हील टच करेंगे. 3, 4, 5. एक बार और एक्सप्लेन करूंगी मैं ये वाला. नाउ लेग सेंटर साइड सेंटर साइड राइट लेग साइड लेफ्ट साइड हैंड लेफ्ट साइड हैंड left side. Good. Center. Left hip side. Right side hand. Good. Now start. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Good. 4, 3. Very good. 2 and 1. Same. 1. इस step को हम लोग बोलेंगे jumping walk. ठीक है. 3, 4, 5. गुड. वेरी गुड. गुड गोइंग. कंटिन्यू. 6, 7. गुड. वेरी गुड. 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6. गुड. आने दो. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10, 9. Come on, come on, come on, come on, come on. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
आपने पूरी बॉडी के ज्वाइंट फ्री किए, आपने अपने हार्ट को रेडी किया, ये हो गया आपका टोटल फुल वार्म अप। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स ओपन। अब जो हम रूटीन करेंगे लाइफ में है वीरभद्रासन, ठीक है, वीरभद्रासन के स्टेप्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप त्रिकोणासन, ठीक है। नाउ डाउन, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन स्लोली बैक, अगेन डाउन, बैक, वन मोर, डाउन एंड बैक, बैक। ओके, नेक्स्ट वन, अगेन लेफ्ट साइड, नाउ साइड, इस तरीके से अपना हाथ सपोर्ट देंगे नी पे, पैर में अच्छा डिस्टेंस, ये पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। नाउ डीप ब्रीदिंग इन, लंबा गहरा श्वास भरे, ब्रीदिंग आउट, टू मोर टाइम्स, डीप ब्रीदिंग इन, आउट एंड ब्रीदिंग इन, आउट, सेम एंटी क्लॉकवाइज, डीप ब्रीदिंग इन, आउट, ब्रीदिंग इन, आउट, डीप ब्रीदिंग इन, आउट। नाउ दोनों हाथ आपको नीचे रखना है, अश्व संचालन एंड होल्ड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लोली आप सेम अपोजिट साइड डाउन, जिनको नीज में प्रॉब्लम है थोड़ा सा कम डाउन जाए, ठीक है, आपको इनर थाई से बैठने का प्रयास करना है। नाउ लंबा गहरा श्वास भरे, ब्रीथ आउट, deep breathing in, out, breathing in, out. Now anti-clockwise, deep breathing in, out, inhale, exhale, inhale, exhale. Now again go down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, slowly back. आप लंजेस कभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम, मैं आपको लंजेस भी बताती हूँ कैसे करते हैं। लंजेस अगेन बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो डाउन, 1 2 3, आप अपोजिट, 1 2 3, आप जिनको नीज में प्रॉब्लम है थोड़ा कम दबाव दे, अदरवाइज आप दोनों पैरों को 90 डिग्री डाउन, पीछे वाले पैर से वर्क करें, 90 डिग्री होना चाहिए आपका दोनों लेग्स। स्लोली अप, 1 2 3। अब इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ेंगे, वीरभद्रासन, वीरासन। नाउ डीप ब्रीथिंग इन, स्लोली बैक, अपोजिट साइड, स्लोली बैक। ये सारे एक ही लाइन से, सारे एक ही सिमिलर एक्सरसाइजेस है गाइस। अब इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट वन, परफेक्ट त्रिकोण आसन, ठीक है। नाउ साइड पहले समझ लेंगे, मैं दोबारा करूंगी। नाउ स्लोली डाउन, बैक एंड होल्ड, ओके। नाउ स्टार्ट, साइड, होल्ड, 1 2 3 4 5, स्लोली बैक, सेम ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 5, स्लोली बैक। ज्यादा समय नहीं रुकवा रही, हो सकता है कई लोग पहली बार कर रहे हैं तो स्ट्रेन नहीं आए आपके लेग्स में,
नाउ वॉक, सिंपल वॉक, हल्का सा रिलैक्स करें पैरों को. आवाज अभी आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज पूरी आ रही है. ओके आ रही है. अभी मैं एक चीज और एक्सप्लेन करूंगी गाइस, जो बहुत इफेक्टिव वर्कआउट में है, सिटअप्स यानी स्क्वाट्स. ठीक है, तो आप हम करेंगे अभी. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले देखेंगे आपका नीज आपके टोस से आउटसाइड नहीं जाना चाहिए और आपको बैठना है बैक स्ट्रेट. ठीक है, इस तरीके से. जो एकदम बिगिनर्स है वो इतना डीप नहीं बैठेंगे, वो सॉफ्टली इतना ही बैठे इवन, एंड अदरवाइज आप पूरा बैठ सकते हो. आज हम सिर्फ 10 करेंगे. ठीक है, नाउ स्टार्ट. लेग स्ट्रेट आपके टोज एंड हील. नाउ डाउन, कोर को टाइट एंगेज रखें. 1 2 सिर्फ 10. 3 4 ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट. 5 6 7 8 9 and 10. Hold. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Slowly back. Okay. सारी lower body workout हो गया. हो सकता है पैरों में थोड़ा सा स्ट्रेन आए, बट डोंट वरी, हम लास्ट में स्ट्रेचिंग लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम कुछ और आसन ऐड कर रही हूं मैं. नेक्स्ट आसन वृक्षासन. ठीक है, वृक्षासन से अगेन हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस हमारी एंटी एजिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है. बैलेंसिंग एक्सरसाइज में भी हम इसको ऐड करते हैं. नाउ आप अपने पैर को कोशिश करें इन. नाउ डीप ब्रीथिंग इन, लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें. होल्ड. मैट के जाओ बैलेंस बनाने के हिसाब से. टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. स्लोली बैक. जब आप कोई स्थिति में रुकते हो तो सामान्य गति से सांस ले वो छोड़े. बैक स्ट्रेट, कंधे खुले हुए रखेंगे. होल्ड. हाँ होल्ड. हाँ गुड गुड. वृक्षासन, लंबा सांस भरते हुए. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Slowly back. Good. Next one, Natarajasana. ठीक है, back straight again. पंजे के पास से पकड़े पैर को. Now लंबा गहरा सांस भरते हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down. Same opposite side से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down. ये सारी एक्सरसाइज लेग्स की स्ट्रेचिंग भी हो रही है आपकी, जो आपने स्क्वाट्स किए लंच किए. संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन हमें तो आ रही है. आ रही है. हो सकता है जिनको आवाज नहीं आ रही है उनका नेटवर्क पोअर होगा इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट वन शंभुआसन. अगेन लेग स्ट्रेचिंग, दोनों हाथ, एक हाथ नीज के नीचे, एक हाथ एड़ी के नीचे. अब पैर को पूरा ऊपर तक, नेबल तक खींचने का प्रयास करें. रुके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly back. Again, opposite leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down. ये तीनों एक्सरसाइज आपके
पैरों की स्ट्रेचिंग में काम आते हैं। अगर आपको बहुत लेग पेन हो रहा है तो आप ये तीनों स्टेप और इसके रिपीटेशन आप ज्यादा कर देंगे, वृक्षासन, नटराजासन एंड शंभुआसन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बीच में अगर पानी पीना रहे तो आप पानी पी सकते हो। अब हम बैठेंगे। अब हम करेंगे जानु सिरासन। फर्स्ट लेफ्ट लेग मैंने फोल्ड किया है ना, डीप ब्रीदिंग इन। अब इसमें हम लोग होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट। जहां तक आप पैरों को पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं है आपका पंजा आप पकड़ पा रहे हो, आप अपने पिंडली के ऊपर के भाग को, पैर के बीच के भाग को, मध्य भाग को भी पकड़ के अपनी ओर खिंचाओ दे। नाउ डाउन, डीप ब्रीदिंग इन, पंजे को पकड़ कर रखेंगे, ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग इन, ब्रीद आउट। Now, breathing in, stretch, legs outside, हाथों को ऊपर की ओर and down. Same, opposite leg. One, stretch, हाथों को ऊपर, पैर को outside. Now slowly down. Deep breathing in. Knee को दबाव के रखेंगे और पंजे को अपनी ओर खींचे. Again down. In, exhale, inhale, one more, exhale. Now, deep breathing in and out. Good. Next one, side, same side, back straight, knee fold करके अपने face के सामने रखेंगे. Now side and hold, one, two, चेहरा दिखता रहे आपका, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, slowly back, दो बार रिपीट करेंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, slowly back. Again, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Slowly back. Same opposite side. ये सारी exercise again आपके legs pain के लिए भी अच्छा है, guys. But ध्यान रखें, आप अपने पंजे को पकड़ के रखना है और अपने को दबा के अगर अपनी ओर stretch करेंगे, पैर को अपनी ओर खींचेंगे, तो आपके knees pain के लिए, आपको वेरिकोस के लिए, सबके लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नाउ अगेन साइड, बैक, टू मोर रिपीटेशन, बैक एंड वन मोर। होल्ड, इस तरीके से पैर को, पंजे को अपनी ओर दबाओ दे और नी को नीचे की ओर, वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, नेक्स्ट वन वज्रासन में आएंगे ना, दोनों हाथ पीछे से पकड़ेंगे, क्रॉस पूरा लॉक करें हैंड्स को, चेस्ट ओपन ना, ब्रीदिंग इन, दोनों हाथ पीछे से ऊपर की ओर उठाए, ब्रीदिंग आउट, inhale again, deep breathing in and out. दो बार और रिपीट करेंगे, वन टू थ्री फोर। गुड, अपने हिप्स को उठने नहीं देंगे, अगेन वन टू थ्री फोर, नेबल के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट
उसके ऊपर राइट हैंड मंडुकासन ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट अगेन स्लोली आप एक बार और करेंगे डाउन दोनों हाथों को दबाते हुए स्लोली आप ना अंगूठा अंदर मुट्ठी पर इस तरीके से लॉक करें अपने हाथों को नेबल के आजू बाजू रखेंगे डीप ब्रीदिंग इन Now out. Again up. एक बार और slowly back. Good. Next one हम करेंगे उष्ट्रासन. इस तरीके से बैठेंगे आप इसमें पैरों की उंगलियां इनसाइड भी कर सकते हो आउटसाइड भी कर सकते हो जो बिगिनर्स है वो पैरों की उंगलियां इनसाइड रखेंगे नाउ आप इस तरीके से भी उठ सकते हो दोनों पैरों में अच्छे से गैप करें साइड से दिखा रही हूं पहले मैं नाउ डीप ब्रीदिंग इन चेस्ट स्लोली बैक एक बार और करेंगे Slowly back. Good. सब इजीली कर पा रहे हैं आप लोग और सब कर भी रहे गुड आगे बढ़ते हैं आप सिटिंग एक्सरसाइज के बाद अब हम लोग थोड़ा लेटने की क्रियाएं करेंगे नेक्स्ट वन उत्तान पादासन आज हम लोग सिंगल लेग से करेंगे क्योंकि जो रेगुलर क्लास करते हैं वो दोनों पैर से साथ में करेंगे मैं दोनों ही बता दूंगी जिनको सिंगल करना है वो सिंगल अदरवाइज डबल लेग दोनों हाथ कमर के नीचे लोअर पार्ट को टाइट टकिंग करेंगे एंड नाउ सिंगल लेग रेस 30 डिग्री अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन दोनों पैर साथ में कर सकते हैं कि आप लोग सोमी थाम कराऊं दोनों पैर साथ में ओके काफी लोग दोनों पैर साथ में कर रहे हैं तो हम दोनों पैर साथ में करेंगे नाउ डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट जिनको बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो सिंगल लेग लेंगे अप डाउन अप डाउन नेक्स्ट वन 60 डिग्री अप स्लोली डाउन पैरों पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे लोअर पार्ट को टाइट रखेंगे टकिंग रखेंगे नाउ अगेन ब्रीदिंग इन स्लोली डाउन एक बार और डीप ब्रीदिंग इन स्लोली डाउन नाउ 90 डिग्री Deep breathing in, hold, hold, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, slowly down, जिनको back में problem है वो single leg raise करेंगे, again, deep breathing in, hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, slowly down. Ek bar aur, up and hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly down. Left side se thoda baithenge. ओके नाउ दोनों पैर साइड में रखेंगे दोनों हाथ साइड
हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, इसको कहते हैं रशियन ट्विस्ट, अपर बॉडी ट्विस्ट करेंगे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly take rest. बैठेंगे. गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. अभी अब हम करेंगे कोबरा पोजिशन, माउंटेन पर्वतासन, बैक एंड विष्णु आसन. दोनों हाथ चेस्ट के पास, लेग्स टुगेदर. नाउ डीप ब्रीदिंग इन एंड होल्ड, ब्रीद आउट. कोबरा पोजिशन में आप ब्रीदिंग फुफकारते हुए भी आ सकते हो. डीप ब्रीदिंग इन, अगेन नेक्स्ट वन. चेस्ट के पास लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड, लेग्स टुगेदर. नाउ अगेन अप, फुल अप, होल्ड. टू रिपीटेशन अप, वन मोर. Take rest. Next one, downward dog, parvatasan. Now, up. Downward dog, और मैं साथ में आप लोगों को plank hold करवाऊंगी. Guys, again, ये बहुत effective exercise है. For your back, ठीक है. पहले plank hold करेंगे. पोजिशन ये दंडवत पोजिशन में आएंगे सभी, ठीक है. कोर को टाइट एंगेज रखेंगे, पहले समझ लो आप लोग. हाँ, इस पोजिशन में हम लोग 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, ठीक है. आप सभी रेडी हो, ज्यादा नहीं करवा रही हो, ओनली 15 सेकेंड होल्ड. पोजिशन एनिमल पोजिशन से सीधा plank hold में आएंगे. रेडी होने के लिए 3, 2, and up. होल्ड पोजिशन में बने रहेंगे, कोर को टाइट इंगेज करें, बनेंगे सभी. गुड गुड गुड. 15 सेकेंड तो कंप्लीट हो चुके हैं, 20 हो गए, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली बैक एंड मेक माउंटेन. Hold mountain, hold. Slowly back. Child pose. Slowly back. अभी आपने किया प्लैंक होल्ड, माउंटेन, वो चाइल्ड पोज. चाइल्ड पोज अगेन आपकी बैक को रिलैक्स करता है, प्लैंक होल्ड आपकी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कोर को इंगेज टाइट करते हैं तो कोर टाइट होता है आपका पूरा, एंड माउंटेन अगेन आपके बैक के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है. नेक्स्ट बच्चों पे बैठेंगे. नाउ डीप ब्रीदिंग इन, आउट, होल्ड. पीछे से दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करें, पकड़े दोनों हाथों को.
जो हमने प्लैंक होल्ड का रूटीन किया उसको आप रिपीट कर सकते हैं। करें अभी हम लोग रिपीट, सुमिता रिपीट करें एक बार और। यस यस ओके, आएंगे वापस सेम पोजीशन, 30 सेकंड प्लैंक होल्ड। नाउ स्टार्ट। Good job. 15 second complete, guys. 15 second complete. Last 5 second left. Good. 30 second complete. Now make mountain. Hold again. अपनी एरिया को स्पर्श करें फ्लोर पे, पैरों में स्ट्रेचिंग फील करें, गर्दन बिल्कुल नीचे, चेस्ट पे चिन को टच करें एंड होल्ड, स्लोली बैक, नीज ओपन एंड चाइल्ड पोज पे रेस्ट करें। लंबा गहरा सांस ले, वो लंबा गहरा सांस छोड़े। स्लोली बैक। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पार्ट। ओके हाँ, नेक्स्ट वन विश्वासन और मर्दंडी क्रियाएं हम एक दो सेट उसके करेंगे। नाउ बैक स्ट्रेट अगेन। कोई भी स्टेप में आप ध्यान रखो, आपको ऐसे हिप्स बाहर नहीं निकालना है, अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैट पे रखेंगे और हर स्टेप में अपने कोर को टाइट एंगेज रखेंगे, यानी अपने पेट को अंदर की ओर दबा कर रखेंगे। नाउ स्टार्ट, 1, 10 टाइम्स। अगेन ध्यान रखेंगे लंबी गहरी श्वास भरते हुए आप पैर ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अपने अगेन टोस को पकड़े, नी फोल्ड करें सभी, टोस को पकड़े और धीरे से पैर को बिल्कुल सीधा कर देंगे, बिल्कुल सीधा। अगेन गाइस, ये लेग पेन के लिए, नी पेन के लिए, वेरिकोस प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव स्टेप है। आप कितना होल्ड करते हो, कोशिश करें पैर को सीधा रखें, घुटना सीधा करने का प्रयास करें एंड स्लोली डाउन। सेम अपोजिट साइड, स्ट्रेट रहे आपका कंधा, आपकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट ऑलवेज ओपन, कोर एंगेज। नाउ स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, and 10. Hold. सामान्य गति से ब्रीदिंग ले, वो छोड़े एंड होल्ड। स्लो डाउन। ओके, नेक्स्ट वन सीधा लेटेंगे। अगेन जो स्ट्रेचिंग है ये अगेन आपके लिए, पैरों के दर्द के लिए, आप दो पंजों को पकड़े एंड अगेन नीज के लिए और जितने भी आपने स्क्वाट्स एंड लंज किए इससे अपोजिट, अभी आप दोनों पैरों को स्ट्रेट करें एंड होल्ड। नी स्ट्रेट करने की कोशिश करें, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ आउट इन, आउट इन, आउट इन। पकड़े, घुटना सीधा करने की कोशिश करें, हल्का सा आप अपने कंधों को ऊपर कर सकते हो। स्लोली डाउन, गर्दन बिल्कुल नीचे, दोनों हाथ
कंधों के समांतर में सपोर्ट देंगे, दोनों पैर फोल्ड, नाउ दोनों पैर टर्न करें, दोनों पैरों में गैप करें मैट के कॉर्नर पे, दोनों पैर अपोजिट साइड, कमर को ट्विस्ट करें, अब नीचे वाले पैर से ऊपर वाले पैर को दबाते हुए दोनों पैर फ्लोर पे टच करने का प्रयास करें एंड होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 स्लोली डाउन, नाउ अपोजिट साइड. इस दिशा में आपके पैर जा रहे हैं, उसके ऑपोजिट साइड में आपका गर्दन नेक होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग फोल्ड, राइट लेग को शिफ्ट कर देंगे एंड एक हाथ से पूरा दबाए फ्लोर पे, दूसरे हाथ से गर्दन ऑपोजिट साइड. आपका शोल्डर ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखे आपके एल्बो टच रहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slowly back. Opposite leg fold and shift other side. इस हाथ का उपयोग लेते हुए इस पैर को पूरा दबाए, गर्दन opposite side और knee touch करने का प्रयास करें. 1, 2, 3 जितना अच्छा twist करोगे उतना effective है. 4, 5 Okay, thank you so much. अब हम प्राणायाम करेंगे. इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेन मस्ट कंपलसरी आप ब्रीदिंग भी प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए और आप करें आफ्टर वर्कआउट. तो सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, ठीक है. बैक स्ट्रेट, ज्ञान मुद्रा, दोनों अंगुल, दोनों हाथ नीज के ऊपर, अंगुलियां आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद. दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग शुरू करेंगे. लंबी गहरी श्वास ले वो लंबी गहरी श्वास छोड़े. आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे वो महसूस करे. प्रत्येक श्वास की लयबद्धता वो एक रूपता बनी रहे, अर्थात जितना समय आप श्वास लेने में लगा रहे हो उतना समय श्वास छोड़ने में लगाएं. श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूल रही है व श्वास छोड़ते समय सिकुड़ रही है. नाभि के नीचे पेंडु तक श्वास प्रश्वास को फील करें. महसूस करें प्रत्येक ब्रिदिन इन के साथ ऊर्जा का अर्जन कर रहे हैं, वो प्रत्येक ब्रिदिन आउट के साथ व्याधियों का विसर्जन कर रहे हैं. लंबी गहरी श्वास ले वो लंबी गहरी श्वास छोड़े. एक सजग प्रहार की भांति आते जाते प्रत्येक श्वास पर नजर रखे, अर्थात आपकी अनुमति से ब्रीदिंग आए वो आपकी अनुमति से ब्रीदिंग जाए महसूस करें. महसूस करें ब्रह्मांड में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का सागर लहरा रहा है. महसूस करें ब्रह्मांड में चारों ओर अनंत अनंत सकारात्मक ऊर्जा का सार रहा है. ब्रीदिंग के माध्यम से वो अंगुलियों के अग्रभाग से अनंत अनंत सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर के अंदर धारण करें. पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करें. अनंत व अनंत पौ
पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त कर आप से ज्यादा स्वस्थ, पहले से ज्यादा ऊर्जावित महसूस कर रहे हैं। अपने आप को अनम्यूट करो, म्यूट हो गई हो। जस्ट अभी हुई हूं मैं म्यूट। यस हाँ, पांच बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न करना है। लंबी गहरी श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करते हुए आपको लंबा गुंजन करना है। जितना समय आपको ब्रीदिंग इन में लगता है उससे डबल समय आप ब्रीदिंग आउट में, ज्यादा समय ब्रीदिंग आउट में लगाना है। आंखें सेम बंद रहेगी कोमलता से, लंबी गहरी श्वास भरे। ओके, रिलैक्स अगेन। आप सभी टाइप का प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम, कपाल भाति, भस्त्रिका प्राणायाम एंड ऑल। अभी समय की मर्यादा है, समय हो चुका है इसलिए मुझे 10 मिनट ऊपर हो गए, सॉरी। ठीक है, पता नहीं चलता एक्सरसाइज जब करते हैं तो 5-10 मिनट ऊपर होते ही हैं। पूरा वर्कआउट जब तक कंप्लीट रूटीन नहीं होता है तब तक ऐसे इनकम्प्लीट लगता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच सभी का कि आपने इतने अच्छे मूड में सबने एक्सरसाइज की। अभी हम कुछ दो तीन मिनट किसी को कुछ अगर पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, आपका अनम्यूट ऑप्शन चालू है। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हो, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, कुछ आप अनुभव भी अगर बताना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए थोड़ा सा थकाने वाला था तो मैं बीच में रुक गई थी। शुरू में जब पांव की एक्सरसाइज कर रहे थे तो थोड़ी थकान लगी। और पूछना मुझे ये था कि जब हम सांस लेते हैं तो जैसे भंवरे की गुंजन वगैरह करी तो धीरे धीरे निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि सांस तो लेने में हम जितना टाइम लगाते हैं सब बोलते हैं निकालने में भी उतना टाइम लगाइए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, सांस जल्दी से छूट जाती है। ओके, इसके लिए आप है ना शुरुआत 5 सेकंड से शुरुआत कीजिए। घड़ी के सामने बैठे आप एक हाथ चेस्ट पे और एक हाथ पेट पे रखे, ठीक है? आप शुरुआत काउंटिंग या काउंटिंग के साथ करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एकदम। मैंने सेकंड से भी कम जल्दी काउंट किया है अभी, और छोड़ते समय भी 1, 2, 3, 4, 5 जब तक आपका 5 काउंटिंग कंप्लीट नहीं होगा आपको ब्रीदिंग इन नहीं करना, ये आपको रेगुलर अभ्यास करना होगा, ठीक है? यानी आप 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, यानी आप हाथ रखे
डीप ब्रीदिंग इन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक आपने ब्रीदिंग इन किया, और अगले फाइव काउंटिंग तक आपको वापस नया ब्रीदिंग इन नहीं करना है, तो आप दबाए अपने पेट और अपने चेस्ट को अंदर की ओर, वन टू थ्री फोर फाइव, एंड आया समझ में? ये अभ्यास आप जैसे जैसे करोगे आपका एक रूटीन में आ जाएगा, यानी जितना समय हम ब्रीदिंग इन में लगाते हैं उतना समय आप ब्रीदिंग आउट कर सकते हो। कोई भी चीज हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपने बोला शुरुआत में मैं पैरों के लिए थक गई, आप एकदम बिगिनर से, मैं मेरे हिसाब से बहुत स्लो एक्सरसाइज करवाई हो, फिर भी वो लंजर्स एंड स्क्वाट्स में भी काफी लोगों के लिए टफ होता है, तो शुरुआत में आप लोग ज्यादा डाउन मत जाओ, डीप नहीं जाएंगे। और जरूरी है लेग्स को अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, नीज की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, थाइस मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो वो एक्सरसाइज आपको रूटीन में लाना पड़ेगा। ओके थैंक यू। और आगे कोई क्वेश्चन? जय जिनेंद्र संगीता जी। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आज योगाभ्यास हो गया। आनंद बसर जी तो लेती है सब, और आज थोड़े से नए भी थे और मैं सब कर पाई, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी तरह से आपने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था, आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छे से सिखाया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू प्रेक्षा जी। एंड मैं कहना चाहूंगी आज का जो वर्कआउट है सिर्फ इम्यून सिस्टम ही आपका स्ट्रांग नहीं करेगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, इवन आपका फैट लॉस भी जरूरी है। आज के टाइम पे हमको हमारा वेट गेन ना हो, हमारी अतिरिक्त चर्बी ना बढ़े, तो आपका आज का वर्कआउट आपका फैट लॉस में भी आपको मदद करेगा। थैंक यू संगीता, बहुत अच्छा लगा, बीच ऐसी क्लास लेती रहा करो, हम लोगों को गाइड करती रहो। ओके थैंक यू जी, कुसुम जी थैंक यू सो मच। महीने में एक बार तो होना ही चाहिए आपकी क्लास। ओके कोशिश करूंगी। थैंक यू संगीता जी, इट वाज अ वेरी वेरी गुड क्लास। हफ्ते में एक बार चलेगी। अच्छा कार्डियो वर्कआउट भी हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग सब अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। में आपने जॉइंट एक्सरसाइज भी की, आपने कार्डियो भी किया, आपने टोनिंग एक्सरसाइज भी की, आपने स्ट्रेंथिंग वर्कआउट भी किया, मैंने मिक्स करवाया है जो मिला जुला वर्कआउट था। थैंक यू सो मच पिंकी जी। जया जी, जया जी, बहुत अच्छा क्लास लिया आपने, बहुत अच्छा किया बैलेंस, और हफ्ते में एक बार आपका क्लास चाहिए। हां जरूर कोशिश करूंगी मनोज भैया, मैंने देखा आप लोग दोनों जोड़े से आए, मैं भी ये चाहती हूँ कि आप सिंगल नहीं आए, अब अगली बार जब भी मैं क्लास लेने आऊँ तो आप अपने वाइफ को या जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को जरूर लेकर आए। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज की क्लास में मेरे हस्बैंड ने मुझे ज्वाइन किया है, तो कोशिश करूंगी मैं जल्दी से जल्दी क्लास लेकर आऊँ ताकि उनकी फिटनेस बनी रहे। राजेश जी कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर ले। राजेश जी पुगलिया शायद जुड़े हुए हमारे साथ, नहीं बाकी लोगों को पूछने दीजिए, हम घर में पूछ लेंगे। कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए हम समापन की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता तुम्हारा, तुमने परसों वैक्सीन लिया, कल बुखार में थी, और आज अपने इसको कहते हैं हौसला, हौसला कल शाम तक सोच रही थी कि मैं क्लास ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, कल शाम को 7:30 बजे तक नहीं ले पाऊंगी या नहीं चिंतन चल रहा था, फिर 8 बजे फोन करके बोला मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं क्लास लेऊंगी। तो आज इन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लास ली देखा, तो इसे कहते हैं हमने अगर हम मन में कुछ ढाल लेते करना है तो हम कर पाते हैं, हम संकल्प कर लेते हैं कोई चीज करने के लिए तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम उसे आसानी से कर पाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमें अभी आज हमने देखा, कल बुखार में होते हुए देखिए आज कितने अच्छे से हमारे पूरे प्रयोग बताए हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जय जिनेंद्र आनंद भाई साहब और अलका जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतने अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं आप लोग, ऐसे घर में बैठे हुए आप बुद्धिजीवियों को हम सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं। और संगीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी चीजें उन्होंने सीखी और सिखा रहे हैं वो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। धन्यवाद आपका भी। अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरुदंड गर्दन सीधी रखें, साथ साथ बोलेंगे मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। थैंक यू एवरीवन। मैं आपको बता दूं, आज रात को 9 बजे एक हमारा और विशेष बूट कैंप होने वाला है। श्रीमती जयश्री डागा हमारे साथ कोलकाता से जुड़ेगी रात को 9 बजे, और वो कार्यक्रम हम YouTube पे ले रहे हैं। YouTube की लिंक आपको भेज दी जाएगी, उस लिंक से आपको YouTube पे जुड़ना है रात को 9 बजे। और उनका टॉपिक है हम अपनी आदतों को कैसे सुधारें। पूरी आदत है तो उस हैबिट है तो हैबिट से कैसे छुटकारा पाए, और पूरी आदतों से कैसे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। उसे भी आपको जरूर अटेंड करना है। ओम अरहम, ओम अरहम।